मिश्रा जी यहाँ बिहार में अपना काम कर रहे थे, उसी वक्त इस तरीके का सपना देखने वाले कहीं पंजाब में यज्ञदत्त शर्मा और बलराम जी दास टंडन थे, कहीं हरियाणा में डॉक्टर मंगल सेन थे, कहीं दक्षिण में जगतराव जोशी थे, कहीं मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे थे, कभी राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में नानाजी देशमुख थे, और कहीं राजस्थान और दिल्ली में लालकृष्ण आडवाणी थे, और कहीं उत्तर प्रदेश को अपनी कर्म भूमि बनाने वाले ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये सब प्रथम पंक्ति के नेता और प्रथम पीढ़ी के नेता, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमें कुछ मिलेगा, लेकिन यह जरूर सोचा था कि जनसंघ का दिया घर घर पहुंचाएंगे और दीप जलाएंगे और भारतीय जनसंघ को समय स्थापित करेंगे। बिहार में भी मुझे याद है, मैं तो छोटा था, ठाकुर प्रसाद जी अध्यक्ष थे, जगदम्बे प्रसाद यादव उनके साथ मिलकर के कैलाश जी ने काम शुरू किया था। मुझे घटना याद है, मैं छोटा था, मैं 9 साल का हूं, मैं 9-10 साल का, कैलाश जी हमारे घर आया। एक दिन कैलाश जी, जैसे अभी हमने ये गेरुआ रंग की टोपी पहनी है, उसमें आगे एक तरफ दिया का निशान होता था और एक तरफ जनसंघ लिखा होता था, भारतीय जनसंघ, वो पहन करके हमारे घर आया। मैं छोटा था, मेरे मोहल्ले में मेरे कैंपस में लोग बोलते थे कि जनसंघ को कुछ हजार लोग, ये तो शहर की पार्टी है, ये तो बड़ी छोटी पार्टी है, और मुझे छोटे होने पर भी दिया से प्रेम था। तो कौतूहल वर्ष मैंने पूछ बैठा उनसे, मैंने कहा आप कुछ सीटों पर क्यों नहीं लड़ते, आप सारी बिहार में सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे बताया गया कि हमें कुछ हजार वोट आएंगे, आप ये क्यों करते। मैं छोटा था, कैलाश जी ने कहा जीतना अभी उद्देश्य नहीं है, लेकिन दिया को बिहार के घर घर पहुंचाना हमारा उद्देश्य। मुझे आज याद है, और इसलिए हम लोगों ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। उन दिनों पैसे भी नहीं होते थे, वाहन भी नहीं होता था, अगर मोटरसाइकिल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। रेस्ट हाउस के नजदीक तो फटकना भी मुश्किल था, कार्यकर्ताओं के घरों में रहा करते थे, प्रवास किया करते थे, प्रवास के लिए आर्थिक सहायता के लिए भी कार्यकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जोड़ करके देता था, ये भी दिन देखिए। और इस नींव के इस कार्य को आज इतना बड़ा वटवृक्ष बनाने में, मां भारती की सेवा करने में और देश का दुनिया का सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में बनाने में अगर नील पत्थर है तो कैलाश पति मिश्र है, जिसको हमको समझना है। ये उनका डेडिकेशन, मुझे याद है वो वित्त मंत्री बन गए, घर में अक्सर आया करते थे, तो वो आए थे, तो मैंने कहा आप तो जनता पार्टी बन गई, अब तो हम बड़ी पार्टी हो गए, तो अब तो हमें मजबूती मिल जाएगी। कैलाश जी ने अपने अंदाज में मुझे कहा यह विचारधारा की लड़ाई है, इस पे पड़ाव नहीं है, पूर्ण विराम नहीं है, इसमें हम आगे, ये अर्ध विराम हो सकता है लेकिन पूर्ण विराम नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है, आगे लड़ना भी बात है। मैं छोटा था, मैं नहीं समझ पाया था, लेकिन हाँ एक साल बाद हमें दो ही सदस्यता समझ में आने लगे, उनके विषय समझ में आने लगे, और कैलाश जी का मैंने एक बात देखी कि वो कार्यकर्ता थे, कुशल संगठक थे, अच्छे प्रशासक थे और अच्छे विचारक, ये तीनों चीजें किसी में होना बड़ा कठिन होता है। कोई संगठक होता है तो प्रशासक थे,
कोई प्रशासक होता है तो विचारक नहीं, वो थ्री वन विचारक भी थे, वह कार्यकर्ता तो थे ही, संगठन भी थे, संगठन भी थे। किस तरीके से उन्होंने बिहार को जोड़ा है, ये वर्गों में विभाजित बिहार जहां जात की राजनीति प्रीडोमिनेंट रही हो, वहां एक सूत्र में बांधने के काम में नील पत्थर के रूप में कैलाशपति मिश्रा ने एक एक को प्रयोग करके बनाया है। समाज के सभी वर्गों को जोड़ा, वो वर्ग हमसे छूटा है। जब प्रशासक बने वित्त मंत्रालय की दृष्टि से, सुशील जी बताएंगे, सुशील जी वित्त मंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री है, वित्त मंत्रालय संभाला है, देखा किस तरीके से छोटे से अवधि में उन्होंने वित्त मंत्रालय में अपना काम को स्थापित। पिछड़े वर्ग की लड़ाई किस तरीके से उन्होंने लड़ी, किस तरीके से आरक्षण दिया, बिहार में कितना विरोध हुआ, उस विरोध के बावजूद भी चट्टान की तरह खड़े रहे और सामाजिक समरसता के लिए काम करते रहे, तो कैलाश ऐसे को जब हम नमन करने के लिए यहां आए, तो मैं एक बात अपने कार्यकर्ताओं को जरूर बोलना चाहता हूं, वो घर, वो परिवार, वो खानदान, वो समाज, वो देश सादे देर भी टिकता जो अपने इतिहास को सुन लिया। इसलिए अगर अपनी पार्टी को पहचानना है तो कैलाश जी के जीवन को समझो और कैलाश जी के जीवन से प्रेरणा लेकर के काम है जो आपको करना है। और इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आज जिस नींव पर हम खड़े हैं वो मजबूत नींव हमको कहां तक ले जा रही है, इसको हमको समझने की जरूरत है। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हमारे साथ कंपटीशन करने वाला वो होता है सेकंड टू बीजेपी, वो पहले की प्रथम की लड़ाई नहीं करता, वो दूसरे दर्जे की लड़ाई करता है, सेकंड टू बीजेपी फर्स्ट इज बीजेपी। और देखिए हमारी हमारी खूबसूरती देखिए, हमारी पार्टी की खूबसूरती देखिए कि हम ही 11 करोड़ की सदस्यता वाले पार्टी बनते हैं और हम ही अपनी सदस्यता करते हैं और 54 दिनों के अंदर हम 17 करोड़ पहुंच जाते हैं और हम ही अपना रिकॉर्ड तोड़ बैठते हैं, ये हमारी ताकत है। मैं बिहार को बधाई देना चाहता हूं, बिहार की इकाई को बधाई देना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा काम किया सदस्यता में और आपने अच्छी सदस्यता की है। आज हम 17 करोड़ की पार्टी बन गए और ये 17 करोड़ वो है जिनका डाटा पोस्ट ऑफिस नंबर के साथ और बूथ के साथ हमारे दिल्ली में और आपके बिहार में सुरक्षित है। इस तरीके की पार्टी है, मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि मित्रों हम जो यहां बैठे हैं अपने आप को सबको खुशनसीब समझता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि खुशनसीब कहना चाहिए क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल में तीन तरीके से आता है, एक आता है बाय चॉइस, वो सभी दलों के विचार को पढ़ने के बाद जानने के बाद तय करता है कि हमको किस पार्टी में ज्वाइन करना है। कोई आ जाता है बाय चांस, अब बाय चांस कैसा होता है, रास्ते पर चल रहे थे लाठीचार्ज हो गया, लाठीचार्ज इसलिए हुआ क्योंकि कोई धरना चल रहा था, उस पर एक लाठी पड़ी, एक मेरे पर भी पड़ गई, मैं भी उन लोग धरने वालों से जुड़ गया और बाद में मैं कैंसर और बीजेपी में आ गया। कई लोग इसलिए पार्टी में आ जाते हैं क्योंकि उनका दोस्त पार्टी में था तो इसलिए पहुंच गया, और कई लोग एक्सीडेंट से भी आ जाते हैं, कोई ऐसी घटना घट जाती है जिस घटना में सामने वाले का विरोध करना है इसलिए मैं बीजेपी में आता हूं, ऐसा एक्सीडेंट। मैं सबको एक बात कहता हूं कि चाहे आप बाई चांस आए हो, चाहे आप बाई चॉइस आए हो, चाहे आप बाई एक्सीडेंट आए हो, आप सही जगह आए हो, इसके लिए भगवान को धन्यवाद दो। मैं बिहार में था, पटना में,
मैं छात्र संघ के बीच में काम करता था तो लोग उस समय मुझे बोलते थे नड्डा बिना जात की राजनीति नहीं होती, देयर इज नो पॉलिटिक्स विदाउट कास्ट। कौन सी पार्टी में चले गए उसका कोई कास्ट का कोई डोमिनेशन नहीं, वो आज बड़े बड़े अफसर बन गए। मैंने हिमाचल गया तो मुझे किसी लोगों ने कहा फॉरेन सिवाई के लोग थे वो कहने लगे कांग्रेस का दबदबा था, कहते नड्डा यू डोंट नो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में पावर गेम होती है और पावर कांग्रेस के पास है, तुमको कांग्रेस के साथ। जब मुझे कांग्रेस मिले उन्होंने कहा कॉमरेड यू डोंट नो नड्डा, ये लाल क्रांति आई। आज जब मुझे वो मिलते हैं 30 साल बाद 40 साल बाद मैं उनसे पूछता हूं वेयर इज योर पास्ट पॉलिटिक्स, वेयर इज योर पास्ट पॉलिटिक्स गॉन, तो जानते हैं क्या उत्तर मिलता है, वी वर लॉस्ट, हम बच्चे थे हमें मालूम है। जब मैं कांग्रेस से पूछता हूं कि बताओ भाई तुम्हारी लाल क्रांति कहां गई, बोला नड्डा यार तू तो जानता ही, मैं तो कैंपस में ऐसी राजनीति करता था, मेरा कोई सीरियस इरादा तो था नहीं। जब मैं कांग्रेस के लोगों से पूछता हूं वेयर इज योर पावर गेम, कह लगे पावर गेम तो छोड़ो, गेम खेलने लायक छोड़ा हो तब तो बताए। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप बीजेपी में है चाहे बाय चांस हो बाय चॉइस हो बाय एक्सीडेंट हो, आप सही जगह है, यहां इनकमिंग है आउटगोइंग नहीं है, इस बात को समझ लेना चाहिए।